सबसे पहले आप सबका स्वागत है। बहुत खुशी की बात है, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है एक विद्यार्थी के लिए जब 10+2 करने के बाद आप कॉलेज में इंटर करते हैं। काफ़ी उमंग होता है, एक तरंग होता है आपकी ज़िंदगी में और कुछ फील करना चाहते हैं। आपने सुना है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, और जब यहाँ इंटर करते हैं तो आप इस तरह से डेविएट होते हैं कई बार के हर चीज़ बिल्कुल यहाँ पे अनकंट्रोल हो जाती है, लेकिन इस तरह से है नहीं। यहाँ पे आपको एक ऐसी लर्निंग दी जाती है कि आप इंडिपेंडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद आप एक्सेप्ट करें और आप खुद समझे कि आपके लिए क्लास या टीचर्स या पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंस हैं। तो हम यहाँ पे हमारी प्राचार्य हैं प्रोफेसर वर्मा, सारे प्रोफेसर का हम स्वागत करते हैं और आप सबका हम सबसे पहले 5 मिनट, चूँकि एक सोशियोलॉजी के हम टीचर हैं और सोशियोलॉजी के बारे में हम बता दें, दुनिया में सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये सोचता था कि सोशियोलॉजी कुछ खास सब्जेक्ट नहीं है, मैंने ऐसा ही सोचा था कि सोशियोलॉजी, हमने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री की डिमांड की थी और इत्तफाक से मुझे हिस्ट्री नहीं मिली, क्योंकि हम कुछ करते हैं, नेचर को कुछ और करना होता है, वो हमें जिस लायक समझता है वो वहां पे बैठा देता है आपको। तो हमें सोशियोलॉजी मिल गया, हम हिस्ट्री मांग रहे थे और सोशियोलॉजी को मैं तब तक यही समझ रहा था लेमैन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं है। बहुत दुख भी हुआ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमने कहा कि एडमिशन ही नहीं होगा, वहां पे एडमिशन बहुत टफ थे और जहां से हमने पढ़ा है पटना, वहां पे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता अगर हम सोशियोलॉजी नहीं लेते, तो कोई उपाय नहीं था उस समय। इस तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह थे नहीं, तो सोशियोलॉजी लिया और बीए फर्स्ट ईयर किया। बीए फर्स्ट ईयर में लट फट के अच्छा नंबर आ गया था, क्योंकि 10+2 साइंस से थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था उन बच्चों के लिए जो आमतौर पर साइंस बैकग्राउंड से, आमतौर पर साइंस के बच्चे सोशियोलॉजी में आते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। हमारा जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है अगस्त कॉम्ट वो मैथमेटिशियन है, और जितने बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, हर्बर्ट स्पेंसर इवोल्यूशनिस्ट हैं, बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं उन्हें, तो जितने भी सोशियोलॉजी में हैं वो सब साइंस से हायर किए हुए लोग हैं। तो जब हमने सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया तो उसमें हमने हायरार्की ऑफ साइंस पढ़ी, उसमें हमने सारे साइंटिफिक अप्रोच पढ़े, सारी मेथोडोलॉजी पढ़ी, और तब हमको ये समझ में आया एमए आते आते जब हमने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कर लिया तो हमें लगा ये तो सबको पढ़ना चाहिए, सोशियोलॉजी के बिना हर ज्ञान अधूरा है, क्योंकि हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री इज सोशियोलॉजी, हड़प्पा सभ्यता एक समाज है उसका अध्ययन है, प्राचीन समाज का अध्ययन हिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी है। तो मेरी समझ में और अगस्त कॉम्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी की समझ में सोशियोलॉजी टॉप पे है, सोशियोलॉजी को हायरार्की में नंबर 1 पे रखते हैं अगस्त कॉम्ट और साइंस से ये साबित करते हैं। जितना भी एडवांस साइंस होता है वो सबसे टॉप पे होता है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर साइंस, जितने भी सोशियोलॉजी सारे साइंस से सबसे मॉडर्न है। और मॉडर्न क्या है, अब आप हमें ये बताओ कि ये बोतल है, इस बोतल का अध्ययन करना आसान है या तुम्हारे बारे में जानना आसान है, इंसानों के बारे में जानना आसान है या बोतल के बारे में जानना आसान है, आप हमें यह बताओ, इस चश्मा के बारे में जानना आसान है या हमारे बारे में जानना आसान है, कितना टफ काम है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये बिल्कुल एक मिसकॉन्सेप्शन है सोसाइटी में कि कोई सब्जेक्ट सुपीरियर होता है और कोई इंफीरियर होता है। ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी सबसे टफेस्ट काम है। यहाँ पे आते तो हैं हल्का समझ के, लेकिन एमए कर लेते हैं सोशियोलॉजी नहीं समझ पाते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को समझना सबसे टफ काम है। तो अल्टीमेटली मैं यही समझा कि सोशियोलॉजी इज बेस्ट साइंस, हर एक व्यक्ति को हर जगह सोशियोलॉजी। और सर मैं एक बात और बताऊं, हमारे अब मैं विभाग के बारे में बताऊं, हमारे विभाग में 3 लोग हैं, हम लोग हमारे साथ हैं प्रोफेसर पवार जी हैं और प्रोफेसर अनिल भट्ट हैं, हम 3 लोग हैं।
डॉक्टर अनिल भट्ट इससे पहले आपको मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, तो एज ए सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का आप ये देखिए कहाँ कहाँ स्कोप है। जिस तरह साइकोलॉजी का स्कोप है, मेडिकल कॉलेज में आप साइकोलॉजी पढ़ के जा सकते हैं। मैं ज्यादा देर तक साइकोलॉजी की बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं डेविएट हो जाऊंगा तो ये उससे पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ता है। मेडिकल साइंस में एक कम्युनिटी मेडिसिन है और हमारे जान पहचान के हैं वो डॉक्टर, उन्होंने रिसर्च किया सोशियोलॉजी से और वहां पे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, और ये मोस्ट एडवांस है। एड्स की, एड्स बीमारी की कोई इलाज नहीं है सिवाय सोशियोलॉजी के। अवेयरनेस, फैमिली, हाथ धोना, ये सब सोशियोलॉजी है। ठीक है, ठीक है, हाँ वो सारी चीजें। तो सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में बात हमारे पास बहुत है, लेकिन 5 मिनट सोशियोलॉजी के बारे में। तो आप लोगों में से जिसको भी रिग्रेट है कि सोशियोलॉजी नहीं लिया है, तो अब कोई चांस नहीं है। नाउ आई वुड लाइक टू टर्न माय टॉपिक, सो सर प्लीज प्रोसीड दिस। आप लोगों को मैं ये बताऊं कि इस कॉलेज का कुछ नियम है, कुछ नॉर्म्स है, उसको आपको फॉलो करना है। देखिए आपके जो ग्रुप हैं, आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप ग्रुप है आपके, उन ग्रुप में जो इंफॉर्मेशन आपको आएंगे उसको डेली पढ़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। मैं बताता हूं आगे क्या क्या होने वाला है। उन सारे इंफॉर्मेशन को फॉलो करें। आपके ग्रुप आज ही शिकायत आई है, किराज किरण भी बोल रहे थे और भी बहुत सारे पेरेंट्स का मुझे मैसेज आया है, गलत तरीके से बच्चे नंबर निकाल करके कॉल करते हैं और चैट करते हैं, तो इससे सावधान हो जाइए। दूसरी बात, प्लीज प्रोसीड, आपके जो क्लास टीचर है उसको आप जानिए, उसको आप पहचानिए। आपके 3 ग्रुप मेन हैं व्हाट्सएप में, 3 ग्रुप है आपका, 3 सब्जेक्ट जो मेजर है और कोर है। इन तीनों ग्रुप में जो इंफॉर्मेशन आएगा उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। बाकी 4th-5th ग्रुप कौन है वो मैं बताता हूं, 6th-7th नहीं है। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या है, कॉलेज के कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उसके बाद एक ग्रुप है आपका SC/ST कोचिंग का ग्रुप, प्रोसीड। उसके बाद एक ग्रुप है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत कोचिंग का ग्रुप, ठीक है। एक बार 3 ग्रुप आपके सब्जेक्ट का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक ग्रुप है, और एक ग्रुप है आपका SC/ST सेल कोचिंग का ग्रुप है, और एक ग्रुप है माइनॉरिटी कोचिंग का ग्रुप। इस और उसके बाद NSS स्पोर्ट्स रोवर्स रेंजर ऑप्शनल है, जिस बच्चे का है स्पोर्ट्स NCC उस ग्रुप में आप होंगे। इन सारे इंफॉर्मेशन को आप फॉलो करेंगे और भैया और इनके चक्कर में नहीं रहना है, कौन भैया अच्छे हैं नहीं है। देखिए आप किस मकसद के तहत कॉलेज आए थे, पढ़ने के लिए, और पढ़ने का संबंध किन किन चीजों से है, टीचर से है, बुक से है, कलम से है, ना तो बिल्डिंग की लंबाई चौड़ाई से है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है टीचर पे। आपको कोई भी परेशानी होती है तो डायरेक्ट आप टीचर से पूछेंगे। जैसे आपको मान लो इंग्लिश की क्लास कहां चल रही है तो किससे पूछेंगे, अरे वही भैया, वो भैया गलत टाइम बता देगा। आप क्या कहेंगे सबको जाकर के, 11:30 में तो क्लास चलती ही नहीं है, भैया ने कहा 11:30 आ जाओ, ठीक है। तो सही इंफॉर्मेशन कौन देंगे, और भैया को इतने जो प्रोफेसर है सबका नॉलेज भैया को आ गया, साइकोलॉजी के कितने बजे भैया बताएंगे, भैया सब चीज बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग किस काम के लिए। तो आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा आया है मैसेज आया है पेरेंट्स का, तो इस बात का यहाँ पे एक बार श्रेष्ठ भारत कोचिंग के माध्यम से IAS PCS आर्मी पुलिस ग्रुप सी फॉरेस्ट गार्ड SSC BA TET नेट की तैयारी कराई जाती है। आपको मैं ये बताऊं कि इस कोचिंग के माध्यम से कई बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अभी हाल ही में 3 दिन पहले रिजल्ट आया नेट का, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से 4 सेमेस्टर से एक लड़की नेट क्वालिफाई की है, ठीक है। अपीयरिंग में नेट क्वालिफाई करने के बाद प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। तो वो इसी कॉलेज में रह के, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी कोचिंग से उसने क्वालिफाई की है। 3 भाई ने
एक ही घर में पुलिस क्वालिफाई किया है इसी कोचिंग से, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड क्वालिफाई ग्रुप सी, अभी 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले एक लड़की यहाँ पे जॉली की है, उसने क्वालिफाई किया है। मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि अपने टाइम को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आपको इनका फायदा उठाना है। ये कॉलेज जहाँ पे आप आए हैं ये कोई आम कॉलेज नहीं है, ये बहुत स्पेशल हैं। आप आम समझ करके आए, ये ऐसे ही जैसे मैं हिस्ट्री लेना चाह रहा था, सोशियोलॉजी को मैं इजी में लेके आ गया, लेकिन मैं अब सोशियोलॉजी की वकालत करता हूँ। तो ये आप धोखे से आए हैं ये जानबूझ करके, लेकिन आप एक बड़े कॉलेज में, बहुत बड़े कॉलेज में आए हैं। कहेंगे अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग तो है नहीं, बड़े कॉलेज का मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। कितना नाम है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बिल्डिंग देखे हो क्या? बड़ा नाम क्वालिटी से होता है, आपकी क्वांटिटी से नहीं होता, कितना लंबा है, ठीक है। हमारी गलियों में आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान, अक्षय कुमार जैसे लड़के घूमते रहते हैं, जिंदगी भर घूमते हैं, और पापा से जो है ना 10 रुपया डेली लेकर के ना गोलगप्पे खाते हैं शाम में, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? अपना कैरियर बनाना है। ये एकमात्र कॉलेज है जिसमें तीन तीन कोचिंग चलती है पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में। इसलिए तुम्हें स्पेशल हो, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बस तुम मेहनत करने का गारंटी दो और कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। प्रोसीड दिस। इस कोचिंग से जुड़ने के लिए इस नंबर को, जो नंबर है 9997922069, इसमें अपना नाम और क्लासरूम बताएंगे। इस कोचिंग से आप लोग मोस्टली आप जुड़े हुए हैं। प्रोसीड। आगे बढ़ाइए। SC ST स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम, स्किल तो एक सब्जेक्ट भी है आपका, एक स्किल प्रोग्राम है महिंद्रा का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में खास बात यह है कि 7 डेज सर्टिफिकेट कोर्स होती है। महिंद्रा कंपनी को आप जानते हैं बखूबी, उस महिंद्रा कंपनी के द्वारा 7 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स होगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और इसी कॉलेज से प्लेसमेंट होगा जॉब के लिए। ये आप, बट ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे। अभी एक हफ्ता या 10 दिन के बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम है। इस सर्टिफिकेट को आप ले लेंगे महिंद्रा कंपनी में और अदर, ये स्किल आपको सिखाएंगे, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल और भी बहुत सारे स्किल, ठीक है। आगे बढ़ाइए। हाँ, नेक्स्ट, स्पोर्ट्स, NSS, NCC, रोवर रेंजर है, उस ग्रुप में आप रहेंगे। आगे बढ़ाइए। अटेंडेंस 75% है, ये कंपलसरी है, भैया ने कह दिया होगा कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। इस गलतफहमी में, इस गलतफहमी से ऊपर आ जाइएगा, बहुत मुश्किल में फंसने वाले हैं। उसमें एक वीडियो है, परसों एक लड़की रोती हुई आई थी कि सर मेरा एग्जाम छूट गया, मुझे पता नहीं चला, तो वो भैया भैया के ग्रुप से इंफॉर्मेशन लिया था। ऐसी 2500 लड़की आई है। मैं वीडियो आप लोगों को थोड़ा देर में, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं आप लोगों को यहीं पर से दिखा देंगे, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म पहन करके आना है। कई बार भैया या बाहर से दीदी वगैरह आपको ये बता सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो बिना यूनिफॉर्म के भी चल जाता है, लेकिन कभी कभी मामला ज्यादा फंस जाता है, ठीक है, पुलिस कार्रवाई भी हो जाती है कि आपका क्या आइडेंटिटी है। कभी कभी ऐसा नहीं है आमतौर पे, और कभी ही तो फंसते हैं, डेली तो फंसते नहीं है। इत्तफाक है कि जिस दिन यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए और फंस गए और मालूम हुआ कि पुलिस केस हो गया, कोई बात हो गई, तो यूनिफॉर्म पहन करके आएंगे तो हम आपका सपोर्ट, हम आपसे नाम नहीं पूछने जाएंगे, पुलिस डंडा मारेगी, तो हमारे स्टूडेंट होंगे तो बोलेंगे भाई साहब हमारे स्टूडेंट है, क्या दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप मैसेज को अच्छे से रीड करेंगे और फॉलो करेंगे, और जितने भी ग्रुप हैं इसके अलावा उन सब से जितना जल्दी हो सके आप एग्जिट कर जाइए। कोई लड़का या कोई लड़की आपको परेशान करती है, मैसेज करके या कॉल करके उस नंबर को ब्लॉक करेंगे, और साथ में वो नंबर यहाँ पे रिमेन सेल में या प्रॉक्टर सेल में प्रॉक्टर साहब को आप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और एक लास्ट कि आप कौन हैं, हु